भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ, वो आए लाइव रिपब्लिक भारत यानी आर भारत के न्यूज़ चैनल पर और उन्होंने तो बैंड बजा दी जनाब। भोजपुरिया स्टार एक अकेला शेर सारे बॉलीवुड पर भारी पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ पर रवि किशन को सपोर्ट करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं। इन्होंने ये कहा, क्यों अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई कमी है, अगर कोई बोलता है तो उस पर वहाँ के कई बड़े एक्टरों को क्यों इतनी बड़ी मिर्ची लगती है। अगर ड्रग्स की बात कही गई है रवि किशन द्वारा तो इसका मतलब कि वहाँ ड्रग्स का सेवन हो रहा है। इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरीके से ड्रग्स में लिप्त है और ऐसे में क्यों नहीं कि हमारे युवा जिन्हें आज अपना रोल मॉडल मानते हैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। कई ऐसे एक्टर हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, सभी के लिए इंडस्ट्री में बराबर काम होना चाहिए। इंडस्ट्री नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ड्रग्स के लिए नो ड्रग कैंपेन चलता है और यही बड़े बड़े सितारे उसका चेहरा होते हैं और फिर कैसे दूसरी तरफ ये बड़े सितारे जाकर ड्रग ले सकते हैं, वो भी ऐसे ड्रग जिनके बारे में इससे पहले कभी सुना नहीं गया हो। हाई क्लास के ड्रग, A1 क्लास के ड्रग जिसमें लोगों को बहुत मज़ा आता है, लुप्त हो जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, ऐसी सारी बातें और बड़े बड़े एलिगेंस। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के केस पर भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बहुत बड़ी बात की और उन्होंने कहा कि CBI जब जांच हो रही है तो ज़रूर इस केस में कुछ ना कुछ निकल कर ज़रूर आएगा सामने। और आपको बता दें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ की और कहा कि उन्हें अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा यकीन है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलकर ही रहेगा। साथ ही रवि किशन के मैटर पर भी दिनेश लाल यादव निरहुआ खुलकर बोले और उनके बोलने पर बॉलीवुड के कई लोगों को बहुत मिर्ची लगी है। उसमें से एक नाम है डायरेक्टर अनुराग कश्यप। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने रवि किशन पर निशाना साधते हुए ये कहा है, रवि किशन तो खुद गांजे में लिप्त रहते हैं, उनकी शुरुआत ही हर हर बम बम से, हर हर भोले से होती है और वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं तो वो गांजा खुद पीते हैं, तो वो किस तरह से कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं क्योंकि वो खुद गांजा पीते हैं। तो आपको बता दें कि रवि किशन ने इस बात को भी ये कहा कि अनुराग कश्यप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अनुराग और रवि मुक्केबाज फिल्म में एक साथ काम कर चुके हैं। मुक्केबाज को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी रवि किशन ने। रवि किशन से और अनुराग कश्यप की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ अनुराग कश्यप ने अपनी बातों को फिर ढकते हुए ये कहा कि भले ही रवि किशन गांजा पीते हों लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। का ये जो सोर्स है, जो ये सब वो ड्रग लेते हैं, वीड लेते हैं, नशा करते भी हैं तो वो अपने काम के लिए करते हैं। तो और फिर रवि किशन के से जुड़ी कई अच्छी बातें भी अनुराग कश्यप ने की, लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद रवि किशन ने ये कहा कि अनुराग तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी।